कि आंखों आंखों में इशारे हो गए। भाई बड़े तेज चैनल हो भाई, वाह जी, पता हूँ मुलाजा कर ले। आंखों आंखों में आंखों आंखों में इशारे हो गए के आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। क्या बात है, अभी शेर के चौथे मिसरे सुनने के बाद वही शख्स ताली मारेगा जो मर्द होगा, जो नहीं मारेगा उसे मैं देखना चाहता हूं। समझ रहे हैं आप लोग, तैयार रहिएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कभी इम्तिहान आपका ले लूं। हाँ देखे मेरे दोस्तों, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई। क्या बात है, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर। अरे बाबा 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 बाबा, रंगत से जाकर मिल गई। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। अरे बाबा बाबा बाबा, ए हाय 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 हाय, जब पर्दा किया बाबा बाबा, क्या बात है भाई, बाबा बाबा, मैंने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर। क्या बात है बाबा, चंद मिसरे और समाप्त कर लीजिए और गजल का माहौल बनाइए। गजल के कैसे शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, ताकि इंशाल्लाह आपकी थकन भी दूर हो जाएगी और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाने का आपको मौका मिलेगा, मैसेज करने का भी मौका आपको मिलता रहेगा। अपने अपने चाहने वालों में आप लोग खो जाएंगे, ऐसे शायरों तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं और यही से गजल कवि सम्मेलन का खूबसूरत सा मुशायरा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी कोशिश करें कि तुम्हारा इस तरह चलना, क्या बात है, अभी अच्छा नहीं लगता है। है 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 है, अगर आप दाद नहीं दीजिएगा मैं खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए आए है, बाद में कहूंगा वाह रे मैं। आप दाद नहीं देंगे तो क्या करें, बोले थोड़ा। मैं मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता दर्जनों मुल्क को अपने कदमों से रोंद चुकी है, बड़ी अच्छी पढ़ने वाली, बड़ी अखलाक मंद और माशाल्लाह मैंने देखा माँ के हवाले से जितनी खिदमत। मैं चांदनी शबनम साहिबा की आदर इज्जत रिस्पेक्ट इसलिए ज्यादा करता हूँ कि मैंने ये देखा है कि मेरे दोस्तों कोई बेटा उतना खिदमत नहीं कर पाता जो बेटी होकर माँ की खिदमत ये बच्ची करती हुई नजर आती है। इसके लिए मैं बहुत ढेर सारी मुबारकबादियां पेश करता हूं और शेर देखता हूं, दे दे हाजिर कर रहा हूं कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं। भैया आप ताली नहीं मारेंगे तो कोई भी शायर चौपट हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम ही चतुर चालाक हैं, ये शायर और ये शायरा तो रोज ऐसी ऐसी मंडी लगाती है, आज यहाँ है तो कल दिल्ली है, तो मुंबई है, तो केरल है, तो नैनीताल है, तो बाराबंकी है, तो फतेहपुर है, तो डिड्डा है, सब जगह। मैं सिर्फ आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि सुन लीजिए, दाद देकर तो अच्छे कलाम सुनाएंगी, नहीं तो वरना आप खामोश रहे तो अच्छे कलाम पैक करेगी कहीं और जाके मंडी में लगाएंगे। क्या बात, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें, आप थोड़ा सा सिर्फ सनाया उलिया सनाया सुफला नहीं दिखाएं, यानी सामने के दो दांत उसको सनाया उलिया सनाया सुफला कहते हैं, तो सिर्फ उसको दिखाने की कोशिश नहीं। बोले तैयार रहिएगा, शेर देखेगा, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। अरे गुजारी उम्र सारी माने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा। हाय हाय हाय, उम्र सारी, अरे वाह 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 वाह, माने टूटी पर गुजारी उम्र सारी माने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और शमशेर जहाना गंजवी के महबूब या महबूबा तक पहुंचने की कोशिश और ये शेर देखे, मैं किसी शायर नहीं सिर्फ शमशेर, शेर देखे, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो। अच्छा ये शेर सुनाने में मजा वब आएगा, एक बात बता दूं, जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो हमारे साथी ने कहा कि मुजाहिद हबीबी साहब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, चाहे तुम मुफ्ती हो जाओ, शायर बन जाओ, कुछ भी हो जाओ। हमने वजह मुझे पूछी कि भाई मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती, कहा तुम्हारे अंदर दो आयब बहुत बड़ी है। हमारे असद आजमी आजमगढ़ में बैतुल उलूम में पढ़े हुए हैं मेरे साथियों में से, तो हमने कहा दो आयब क्या है, कहा कि नंबर एक तुम मौलवी हो,
दूसरा ऐप कि तुम लंगड़े हो। लंगड़े को लंगड़ा आम लोग खाना पसंद करते हैं, उसे बेटी देना पसंद नहीं। क्या बात है भाई। भाई मैं तो जज्बात में आ गया, बहुत इमोशनल हो गया। चार दिन तक नहीं खाया न पिया, मदरसे कोने कोने में बैठा। हमारे उस्ताद मोहतरम करे बेटा हुआ क्या, हमने कहा हुआ क्या नहीं, अब तो बत्ती गुल हो गई। मेरे दोस्तों बाद में पता चला कि अल्लाह ने शायरी का जो हवाला दिया तो शादी यहाँ नहीं उरूसुल बिलाद यानी महाराष्ट्र में हुई। शादी जब हो गई तो मोहल्ले की जब औरतें देखने आती मेरी मोहतरमा को तो सब औरतें ये कहती बेतकल्लुफ लड़का लंगड़ा है, बीवी कितनी खूबसूरत पा गया। क्या बात है भाई। बाद में मैं देखता रहा कुदरत के करिश्मे को। शादी जब हो गई तो एक हफ्ते दस दिन के बाद मेरी मोहतरमा ने कहा कि चले मेरे मायके। मैं डर रहा था कि वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, इतनी खूबसूरत हसीन पढ़ी लिखी है और इसके साथ में लंगड़ाता हुआ जाके कबाब में हड्डी बनूं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं गया जब वहां तो मेरी सहेलियों ने, चचेरी सहेलियों ने यानी मेरी वाइफ की जो बहन थी, सब ने एक के बाद दूसरे घेरना शुरू कर दिया। एक के 47 की तरह सवाल दागना शुरू किया और कहा कि बाजी आप जीजू के साथ जब टहलती हो तो तुझे शर्मिंदगी नहीं होती, हया नहीं आती, तुम अच्छी वो लंगड़ा। मेरी मोहतरमा का जवाब सुनिएगा, ये बात हकीकत है लेकिन लतीफा हो गया। मेरे दोस्तों उन्होंने जवाब दिया, नाजिम की बीवी है, निजामत का कुछ सलीका उसे आनी भी चाहिए थी। उन्होंने कहा अगर पगली मेरी नजर से देखोगी तब पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि क्या। सहेलियों ने कहा कि अच्छा बहन ये बता कि अगर मैं तुम्हारी नजर से देख भी लेती हूँ तो जीजू क्या सीधा चलने लगेंगे। कहा पगली सीधा तो नहीं चलेंगे लेकिन मेरी नजर से जब तुम देखोगी तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं बल्कि लहरा। अरे बाबा 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 क्या बात है। वाह वाह वाह, ये भाई क्या बात है, क्या बात है। जोरदार जोरदार तालियां बजाएं खूबसूरत मुशायरे के लिए, ये पूरा मजमा मिलकर तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये माला जो है हमारे साढ़ू भाई ने पहनाया है, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा है भाई, मुजाहिद भाई ये अच्छा है। इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, मुशारा उठाया आपने, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे करते हो यही अच्छा नहीं लगता। गुजारे उम्र सारी माने टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, क्या बात है। कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। आमिल भाई और कमेटी के एक एक भाई, फुरकान भाई, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। नेता हजरात से माजरत के साथ, माफी के साथ, शायर का तंज कहीं भी जा सकता है, जब मैं खुद को नहीं बख्श पा रहा हूँ तो आपको कैसे छोड़ दूं। तुम्हारा बात है भाई, अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कश पे, यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कश पे, मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कश पे, मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। आइए बड़ी तेजी के साथ हम मुसाफत करते हैं, तय करते हैं रंगीन गजल सुनने के लिए रंगीन मिजाज के शायर को बुलाना होगा। और इस वक्त बड़े मूड में बैठे हैं आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी। मैं अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर गजल के शेर, अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर शमशेर जहाना। मुजाहिद भाई एक मतला एक शेर, आमिल भाई तवज्जो दीजिएगा, पूरी टीम को शरीक करता हूँ और आपकी भी खुसूसी तवज्जो, थोड़ा सा तालियों बजा दीजिएगा, पढ़ता हूँ मुलाजा कर लें। कि आंखों आंखों में इशारे हो गए। भाई बड़े तेज चैनल हो भाई, वाह जी, पढ़ता हूँ मुलाजा कर ले। आंखों आंखों की आंखों आंखों में इशारे हो गए। भाई इधर लोग जिंदा है, थोड़ा सा आप लोग भी जिंदा हो जाएं, तालियां वालियां बजा दे ताकि लगे कि आप लोग भी सुन रहे हैं। पेश करता हूं मुलाजा कर ले। कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए,
आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। और मुकीमुद्दीन साहब इरफान भाई सभी के हवाले एक शेर पहुंचाता हूं बतौर खास मुलाजा करें कि माँ तेरा जब सर से साया उठ गया, 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 हम जहाँ में बेसहारे हो गए, सहारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आइए यहीं से चार मिसरे पेश करता हूं मुजाहिद भाई जी, चार मिसरे पेश करता हूं बतौर खास इनकी मोहब्बतों के लिए हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा कर ले। सुनिएगा असद भाई जी, तवज्जो, नया मतला है, अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, सोचता हूं कि आपके बीच पढ़ूं, कोशिश की है, दुआ की है, आप अगर शरीक हो जाएं तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पेश करता हूं मुलाजा कर ले कि न मैं तहरीर छोड़ूंगा। सुनिएगा, अगर चौथा मिसरा लगे कि हमारे हक की बात हो रही हो तो दुआएं दे दीजिएगा कि न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं उनवान छोड़ूंगा, न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। पेश करता हूँ लाजा करें, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। आफ्ताब भाई बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं। पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि न मैं तहरीर छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, और तुझे करनी है जितनी को शीशे कर ले मिटाने की, तुझे करनी है जितनी को शीशे कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लें कि माँ बाप की, माँ बाप की कि जन्नत का पता शाम सहर ढूंढ रहा है। थोड़ा सा तालियां वालियां बजा दे ताकि हौसला मिलता रहे। पढ़ता हूँ मुलाजा कर लें कि जन्नत का पता शाम सहर ढूंढ रहा है, माँ साथ है फिर जाने किधर ढूंढ रहा है, जन्नत का पता शाम सहर ढूंढ रहा है, माँ साथ है फिर जाने किधर ढूंढ रहा है, माँ साथ है फिर जाने किधर ढूंढ रहा है, और माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं देता, माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं देता, फिर खा के दुआओं में असर ढूंढ रहा है, असर ढूंढ रहा है, जिंदाबाद, अच्छी शायरी है, असर ढूंढ रहा है, माँ साथ है फिर जाने किधर ढूंढ रहा है।